हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आईबीपीएस एफओ 2024-25 का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और वैकेंसी भी आप लोगों ने देख लिया होगा, 346 वैकेंसी है। और आप लोगों को पता है कि अब इतनी कम वैकेंसी को देखते हुए आप लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत अच्छे से करना होगा। अभी तक स्टूडेंट क्या है, सोचता रहता है कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी प्री के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर प्रिपेयर कर लेंगे तो हम लोग एग्जाम को इजिली क्रैक कर जाएंगे। लेकिन इस बार आप लोगों को वैकेंसी का आइडिया देखते हुए प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। करना मेंस के लिए भी होगा लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी करना होगा। तो उसके लिए अभी तक आपके पास सफिशियंट टाइम पड़ा हुआ है, 90 डेज के समथिंग टाइम आपके पास अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है। तो आप लोग इन 90 डेज के अंदर किस तरीके से अपने हर एक प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए 25 डेज हार्ड चैलेंज फॉर प्रीलिम्स, जिसके अंदर आप लोगों को प्रीलिम्स के तीनों सब्जेक्ट क्वांट्स, जो कि आपको विकास सर बहुत अच्छे से डिटेल से बताएंगे क्या आपका एग्जामिनेशन के अंदर पैटर्न रहता है और किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, और हम आपको इन 25 डेज के अंदर किस तरीके से बेहतर प्रिपेयर करवाएंगे, एक अच्छे मार्जिन के साथ आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से 25 डेज के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप लोग एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके। और योगेश सर आपको बताएंगे इंग्लिश के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो कि आईबीपीएस एफओ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम को क्रैक करने का बैरियर होता है। वो आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो, और उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो ये आपका जो 25 डेज हार्ड चैलेंज है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है 8 अगस्त से, और इसका टाइमिंग जो रहेगा डेली 7 बजे से लेकर के 10 बजे बैक टू बैक आपके क्लासेज रहेगी। सुबह 7 बजे आपकी पहले रीजनिंग की क्लास होगी, फिर आपके क्वांट्स की क्लास होगी, फिर आपके इंग्लिश की क्लास, इस तरीके से बैक टू बैक शेड्यूल आपके लगे हुए रहेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल वॉच करना है 7 से 10, और डेली आप लोग 25 डेज हार्ड चैलेंज में आए, आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग को आप लोग किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे और हम लोग इन दिनों में 25 डेज में करेंगे क्या, थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए भाई, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, 50 मार्क्स के आते हैं, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो हम लोग 25 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। इन 50 क्वेश्चन के अंदर हमें इन 40 डेज के अंदर 35 से लेकर के 40 मार्क्स का तो एटलीस्ट हमें इतना बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर करना है कि आप लोग इस रीजनिंग के जो सब्जेक्ट है उसकी सेक्शनल कट ऑफ को और इसके साथ साथ ओरल जो कट ऑफ रहती है उसको आप लोग आसानी से क्रैक कर पाए। इसके अंदर जैसे आपके सब्जेक्ट रहते हैं टॉपिक वाइज हम लोग कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे 20 डेज, और लास्ट 5 डेज के अंदर हम लोग रीजनिंग के 5 मॉक भी सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके मिक्स पैटर्न रहेंगे कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, इनपुट आउटपुट्स है, इस तरीके के मिसलेनियस पैटर्न को लास्ट 5 डेज के अंदर हम लोग 5 मॉक ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और देन हम लोग जो है वो कंप्लीट मॉक ट्राई करेंगे, ताकि आप लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट्स को या कोई 2-3 साल से भी अगर प्रिपेयर कर रहा है तो किसी भी तरीके की प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। इस बार आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऑफिसर बना के रहेगा, आप लोगों का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के 10 AM की जो क्लासेज है प्रीलिम्स की बैक टू बैक अटेंड करेंगे। अभी आपके साथ विकास सर आ रहे हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे अपने मैथ के कुछ स्ट्रेटेजी की, हम लोग किस तरीके से जो है वो कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे और किस तरीके से आप लोग एक अच्छे नंबर के साथ जो है वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और ओवरऑल कट ऑफ को क्रैक कर पाएंगे। तो ये है विकास सर से, अभी आप लोग मिलेंगे और बताएंगे विकास सर आपको मैथ एग्जाम के बारे में किस तरीके का। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अपने भाई मैथ के अंदर करने वाले हैं 10 दिन। मैथ के अंदर भाई अपने 50 नंबर के, ये 50 क्वेश्चन आने, अभी रीजनिंग की तरह ही आने अपने,
इसमें मेजर टॉपिक अपने रहने वाला है भी, सिंप्लीफिकेशन का मेजर टॉपिक अपने अपने डीआई का भी पोर्शन रहने वाला है, सिंप्लीफिकेशन भी अपने करने वाले हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन और अपना डीआई डाटा इंटरप्रेटर और अपनी सीरीज भाई, और एक अपनी मेजर अपने आसान सा टॉपिक है भी इक्वेशन। इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको अपने ज्यादा फोकस करके अपना प्रीमियर्स का एग्जाम निकालने के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे भाई। अभी अपने योगेश सर आएंगे, योगेश सर से आप रूबरू होने वाले हैं भाई। धन्यवाद सर। देखो इंग्लिश जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, इसी के लिए आपने एग्रीकल्चर लिया होगा एक दिन, तो उसको कैसे क्रैक किया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब देखना हमने। देखो सिंपल सी बात है इंग्लिश को लेकर कि अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया भी नहीं चाहिए हमें, आपको इंग्लैंड थोड़ी ना भेजना, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी ठीक ठाक है तो आपको किसी भी तरह की ट्रिक की या कोई और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो 6 से 7 मार्क्स के बीच में रहने वाली है आउट ऑफ 25। ये आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बना लेते हैं, कई लोग मतलब कुछ लोग, मैं कई लोग बोल गया, ज्यादातर लोग नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए देखो 3 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, एक जिन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं, दूसरे वो जिनको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, तीसरे वो जिनको 0 से चलना है आगे तक बढ़ना है। तो ये जो मिडिल कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए ये हमारा 25 डेज हार्ड चैलेंज वाली जो क्लास है वो शुरू हो रही है हर सब्जेक्ट के लिए ही। अब अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट की इंग्लिश की, तो होगा क्या इस क्लास के अंदर? अच्छा आप ये भी तो कहोगे ना कि इसके लिए किसकी जरूरत है, इसके लिए हमारा बैच लगाइए, आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो वो पूरा बैच लगाइए, आपको 0 to 0 वाली फीलिंग आ ही जाएगी, ठीक है। हालांकि आप 0 नहीं हो, क्योंकि 0 से कुछ भी गुणा करो तो 0 ही रहता है, आप 0 नहीं हो, ठीक है। तो ये 25 डेज वाली जो बात है ना उसको थोड़ा सा समझो कि क्या क्या करवाया जाएगा। इंग्लिश में क्या क्या आता है? इंग्लिश में आपके आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉलम बेस्ड टेस्ट, इसकी भी प्रैक्टिस होगी। वोकैब से रिलेटेड कुछ सेशंस रहेंगे हमारे, कि आप वोकैब को किस तरह से याद रखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें, सब कुछ। और उसके अलावा जो हमारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस है वो पढ़ लेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वही उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ। वर्ड स्वैप जो है वो पढ़ लेंगे हम लोग, और जो भी मान लो छुटपुट चीजें जो बच जाएगी वो मिसलेनियस के अंदर मैं आपको इंग्लिश के अंदर करवाने वाला हूँ। एज इट इज यही काम आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपके कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं वही इस क्लास में करवाए जाएंगे। ये 25 दिन की क्लास आपके मार्क्स को अश्योर करेगी और जरूर करेगी। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप खुद तो जुड़िए ही, और आपके जो चाहने वाले हैं या आपको जो चाहने वाले हैं उनको भी साथ साथ जोड़िए। इस बैच को आपने डेली सुबह 7 बजे हमारे साथ आपने जुड़ना है। कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस 7 बजे शुरू हो जाएगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। अब 3 घंटे की क्लास, 3 क्लासेस में भी आपको ब्रेक थोड़ी ना चाहिएगा। 7 बजे से 8 बजे पहली क्लास, 8 से 9 दूसरी, 9 से 10 तीसरी क्लास, ठीक है। उसके बाद ये आपकी रिविजन टाइप की भी क्लास है, साथ में कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, इस बात को याद रखना। कॉपी पेन लेकर बैठना, वीडियो को आप जो लाइव क्लास होगी तो इसके अंदर आपको डाउट्स तो पूछने ही है, रिपीट भी करवाया जाएगा, ठीक है। और फिर वही मैंने आपको कहा कि डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, 25 दिन में डिटेल ज्यादा नहीं होती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जरूर जरूर होती है। डिटेल पढ़ने के लिए तो आपको बैच ज्वाइन करना ही होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी ही सुबह 7 बजे से लेकर इस 3 घंटे की क्लास के अंदर, चमत्कारी क्लास हमारी, ठीक है। आपके साथ मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।